दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में बरसर इक्तदार आने वाले जो अफगान तालिबान थे, जो ये हुकूमत थी, गुज़श्ता दिनों पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर एक बार फिर हमला किया इनकी जानिब से और जवाबी फायरिंग से 8 तालिबान हलाक और 16 जख्मी भी हुए। क्या आप नहीं समझते कि अफगान तालिबान की हुकूमत में मगरबी सरहद पर पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस अब ज्यादा बढ़ गए हैं? देखिए, ये सरहद तो कभी भी महफूज नहीं रही है। ये बहुत पेचीदा सरहद है, 2600 किलोमीटर तवील और पेचीदा सरहद है। और दुनिया के अंदर जब हम बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये उन चंद सरहदात में या बॉर्डर में शामिल है जहाँ पर हमेशा से टेंशन भी रहता है और इसको कंट्रोल करना बहुत ही है, क्योंकि दोनों जाने पर बलूचिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के इस वाले सूबे के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पश्तून रह रहे हैं। तो एक बहुत सदियों एक ट्रेडिशनल चला आ रहा है, मगर सवाल ये पैदा हुआ कि 21वीं सदी में हम उन ट्रेडिशनल वेज ऑफ कंडक्ट को कंटिन्यू रख सकते कि नहीं रख सकते। ये जो बॉर्डर फेंसिंग हुई है, इसमें अमेरिका, पाकिस्तान, यूएनओ और अफगानिस्तान की अशरफ गनी साहब की हुकूमत की सह शामिल थी। मतलब इस तरह नहीं है कि अब पाकिस्तान ये तमाम चीज़ें की हुई है और उस पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी हुई है। तो मेरे ख्याल में जो हमें मार खानी पड़ी है, और शायद कि ये अफगान तालिबान को भी इसका इदराक नहीं था कि प्रॉक्सीज वहाँ पर उन पर इन्वेस्टमेंट करेंगी बहुत ज़्यादा, इंक्लूडिंग अमेरिका और इंडिया, तो उनको शायद इदराक नहीं था या उनको यह अंदाज़ा नहीं था कि वो मैनेज नहीं कर सकेंगे। सिर्फ एक फिगर आपको देता हूँ, 2 अगस्त 2021 से जब से अफगान तालिबान ने टेक ओवर है उसके बाद तकरीबन 2400 हमने इस बॉर्डर पर अफगानिस्तान की जानिब से किए गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाए काफ़ी टेंस सिचुएशन है, मगर ये कहना कि ये बॉर्डर बिल्कुल पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के एक्सेस से या उनके कंट्रोल से बाहर है, ये गलत है। अच्छा सर, अफगान तालिबान को तो दुनिया पाकिस्तान मेड के तौर पर और बड़ा इत्मीनान भी था तालिबान के बरसर इक्तदार आने पर पाकिस्तान में, लेकिन आज पी की सरपरस्ती के साथ साथ पाकिस्तानी पोस्टों पर हमले भी हो रहे हैं, क्या ये हमारी पॉलिसी की नाकामी है? नहीं, हम इसको तो अपनी पॉलिसी की खुली नाकामी नहीं कह सकते। अलबत्त हमारी नाकामी ये रही है कि हमने अफगानिस्तान के अंदर मुस्तकिल बुनियादों पर अपने दोस्त नहीं रखे हैं, और उसकी बुनियादी वजह है कि अफगानिस्तान के अंदर तब्दीलियाँ इतनी जल्दी और इतनी अचानक आ जाती है कि अफगानिस्तान के लिए किसी भी नई फोर्स के साथ, किसी ग्रुप के साथ एंगेजमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जो हमने तवक्कुआत वाबस्ता की थी वो ये थी कि हमें बताया गया था दोहा एग्रीमेंट के दौरान यूएनओ की जानिब से भी, नेटो की जानिब से भी, अमेरिका की जानिब से भी, उसमें हम फैसिलिटेशन कर रहे थे जो कि एक पड़ोसी के तौर पर, अमेरिका के इतिहादी के तौर पर हमारा फ़र्ज भी था। हमारे जहन में ये था कि वहाँ पर इस्तेहकाम आएगा तो पाकिस्तान पर भी उसके मस्बत असरात मुरक्के, मगर जब एग्जस्ट कर गई वहाँ पर और वहाँ पर TTP के मामले पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए जो कि अब भी है, बाद तरजीहात भी बदल गई, उसके बाद रवैये भी बदल गए, और अब जो हमारे पास इतलात है वो ये है कि पाकिस्तान बहुत सब्र का मुजाहरा भी कर रहा है, मगर इतलात ये है कि अफगान तालिबान और TTP के दरमियान पाकिस्तान पर होने वाले हमलों के मामले पर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और उस इख्तलाफात के नतीजे वो एक दूसरे पर चढ़ भी दौड़े हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक बार फिर एक गुंजाइश पैदा हो गई है कि वो अफगान तालिबान को मजबूर करे, उनको आमादा करे, उनको कन्वेंस करे कि वो TTP के मामले पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ न लें। मगर इसका मतलब ये हरगज नहीं है कि किसी सूबे का वजीर आला वो आकर इस वाली चीज़ को जो है ना हाईटेक करे या इसको हैंडल करे, इसलिए कि जब भी इस किस्म की कोई कमिटमेंट होगी, एंगेजमेंट होगी, तो उसका मैंडेट और उसका डोमेन जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है।